नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का युवा क्रांति रथ बनकर तैयार हो चुका है। बता दें कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने बेरोजगार यात्रा का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ अब समय आ चुका है कि सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला जाए। तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से युवा क्रांति रथ को तैयार किया गया है, जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी की जो तस्वीर है वो भी लगाई गई है। यानी कि अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरी तरह से तैयार है सीएम नीतीश कुमार को घेरने के लिए। बता दें कि इससे पहले भी कई बार तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहा गया है कि बिहार में अब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और उसको लेकर जमकर सीएम नीतीश कुमार पर हमला भी कई बार उनकी तरफ से बोला गया है। लेकिन इस सबके बीच अगर हम बात करें तो गांधी मैदान से इस रैला की शुरुआत होने जा रही है, जिसका नाम दिया गया है बेरोजगारी रैला। बता दें कि इस रैला में बिहार के नौजवानों को जुड़ने की भी अपील तेजस्वी यादव की तरफ से की गई थी, ताकि भारी से भारी मात्रा में जो लोग हैं वो गांधी मैदान में उपस्थित हो सके, ताकि सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला जाए। ऐसे में तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां पर रात के अंधेरे में इस युवा क्रांति की बस को तैयार किया गया और इसी से ये जो बेरोजगार यात्रा है उसकी शुरुआत की जाएगी। तो एक के बाद एक जो हमले करने की तैयारी है वो तेजस्वी यादव की तरफ से पूरी कर ली गई है और इस नए साल में जमकर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जो प्लानिंग है वो भी तेजस्वी यादव ने पहले ही बना ली है। ऐसे में जहां एक तरफ गांधी मैदान से इस रैला की शुरुआत होने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये नई जो बस है वो भी नजर आ रही है, जिसमें बैठ कर यानी कि जिससे इसी से यात्रा करते हुए पूरे बिहार में इस बेरोजगार रैला की शुरुआत की जाएगी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर भी लगाई गई है। ऐसे में आगे भी क्या कुछ जानकारी इस बेरोजगार रैला से निकलकर सामने आएगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से रात के अंधेरे में इस तैयारी को पूरी की गई है और तेजस्वी यादव ने क्या कुछ प्लानिंग की है सीएम नीतीश कुमार को घेरने के लिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।